Assalamu alaikum, students. How are you all? I hope you all are fine and spending great time with your family at home. I am your science teacher from Metropolitan Foundation School. I am here again with another video for class 2. This video is for science subject.

नाउ इन दिस वीडियो वी डू आर होमवर्क असाइनमेंट ओके इस वीडियो में हम अपना कॉपी वर्क करेंगे सबसे पहले कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाना है विंटर वेकेशन वर्क कंप्लीट हो गया है आपका उसके बाद आपने मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाना है देन यू मेक अ टाइटल पेज अर्थ इन स्पेस चैप्टर फिफ्टीन अर्थ एंड स्पेस एक पेज पे आप मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल बनाएंगे प्यारा सा फिर आप अर्थ एंड स्पेस का टाइटल बनाएंगे बहुत प्यारा सा कलरफुल टाइटल पेज बनाइएगा देन स्टार्ट योर होमवर्क असाइनमेंट इन दिस चैप्टर वी हैव फोर थिंग्स फर्स्ट वन इज फॉल्स सेकेंड वन इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स थर्ड वन इज मैच द कॉलम फोर्थ वन इज़ क्वेश्चन आंसर्स ओके दे आर फोर थिंग्स यहाँ चार चीज़ें मौजूद हैं ये हमें अपनी कॉपी में इन हमें अपनी कॉपी में करना है इन अ वेरी गुड राइटिंग ट्रूफॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम एंड क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले हम और आप सब ने अपने लिए इंडेक्स भी इसी तरीके से रेडी करना है इंडेक्स में आप ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स कॉलम और क्वेश्चन आंसर्स लिख के डेट मेंशन करेंगे लेफ्ट साइड right पे और फिर सामने हम पेज नंबर मेंशन करते हैं तो जिस पेज पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आप अपना पेज नंबर भी मेंशन कीजिएगा मुझे सबके इंडेक्स स्टडी चाहिए क्योंकि कॉपीज़ में इंडेक्स बिल्कुल ब्लैंक है तो आप सब काइंडली अपना इंडेक्स भी फिल कीजिए ओके देन स्टार्ट योर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द ट्रू फॉल्स मेक अ हैडिंग ट्रू फॉल्स इन ब्लू कलर येस आपने हेडिंग जो है वो ब्लू कलर से लिखनी है बहुत प्यारी राइटिंग में देन स्टार्ट योर वर्क फर्स्ट वन इज एटमोसफेयर इज प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ एंड मून एटमोसफेयर इज प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ एंड मून दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स वाई बिकॉज एटमोसफियर इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ नॉट मून जिंदगी जो है वो सिर्फ ज़मीन पर पॉसिबल है मैंने आपको बताया था ना कि ज़मीन का इन्वायरमेंट ऐसा है एटमोसफियर ऐसा है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है मून पर या किसी और प्लानट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है तो यहाँ इन्होंने कहा कि अर्थ और मून पर पॉसिबल है तो इसी लिए स्टेटमेंट फॉल हो गई अगर ये कहते कि द एटमोसफेयर इज प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ ये स्टेटमेंट ट्रू होती बट इन्होंने इसमें मून भी ऐड कर दिया दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स नाउ सेकेंड वन इज द सोलर सिस्टम हैज़ एट प्लान दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वी ऑल नो सोलर सिस्टम इवन याद अपने पढ़े हैं ना नेपचून जूपिटर ये सब जो हैं वो एट नेम्स हैं दैट्स वाई द दिस स्टेटमेंट इज ट्रू The solar system has eight planets. This statement is true. Now third one is the moon changes its shape because of change in position of the sun. The moon changes its shape because of changes in the position of the sun. मून जो है वो अपनी शेप चेंज करता है ये तो आप सबको पता है कभी छोटा सा होता है कभी बहुत राउंड शेप में होता है कभी हाफ मून होता है कभी फुल मून होता है कभी रिसेंट होता है ये अपनी शेप चेंज किस वजह से करते हैं बिकॉज ऑफ सन पोजिशन ऑफ द सन सूरज जो है वो अपनी पोजिशन चेंज करता है आपने देखा ना सूरज मशरक से निकलता है मकरब में गरूब होता है और सन को रोश मून को रोशनी के लिए सन मून की अपनी तो कोई लाइट नहीं होती उसको सन की हेल्प की ज़रूरत होती है इसलिए जब सन अपनी पोजीशन चेंज करता है अपनी जगह चेंज करता है तो मून की भी मून का भी शेप चेंज हो जाती है ओके स्टूडेंट्स सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू नाउ फोर्थ वन इज द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट द मून डज हैव इट्स ऑन लाइट वही स्टेटमेंट हो गई कि मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती ऐसा ही है ना सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नाउ लास्ट वन आर रॉकेट इज आ रॉकेट इज फास्ट मूविंग व्हीकल आर रॉकेट इज फास्ट मूविंग व्हीकल ये भी आप सबको पता है कि सबसे फास्ट जाता है रॉकेट तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फाइव फिलिंग द ब्लैंक्स ब्लैंक्सर राइट इन योर कॉपी इन अ वेरी गुड राइटिंग मेक अ प्रॉपर स्पेस इन ईच वर्ड ओके देन स्टार्ट योर फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स मेक अ हैडिंग इन ब्लू कलर Filling the blanks, then start your work. First one is, atmosphere is found only on, yes, earth. Atmosphere, kahan paya jata hai sir? Yes, earth par. Earth, E-A-R-T-H, earth. Now, second one is, dash changes its shape every day. Dash changes its shape every day. कौन सी चीज़ अपनी शेप जो है वो रोज़ चेंज करती है यस मून बताए ना मून कभी क्रिसेंट होता है कभी हाफ होता है कभी फुल मून होता है तो मून अपनी शेप चेंज करता है ना अर्थ चेंज करती है ना सन चेंज होता है मून चेंज होता है नाउ थर्ड वन इज एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेस सूट अब आपको पता है जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जो सूट पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्पेस सूट एस पी ए सी ई स्पेस एस यू आई टी सूट स्पेस सूट नाउ फोर्थ वन इज डैश इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ डैश इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जमीन के गर्द हवा जमीन जो है ज़मीन के जो राउंड में जो एक लेयर मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं यस क्रस्ट क्या कहते हैं क्रस्ट सी आर यू एस टी क्रस्ट डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून जमीन चांद पर सबसे पहले कौन गया था यस yes, कौन गया था नील आम स्ट्रोंग नील आम स्ट्रोंग ये देखिए एन ई आई एल नील ए आर एम आम आम के स्पेलिंग सबको आते हैं ना यस आम देन स्ट्रोंग एस टी आर ओ एन जी स्ट्रोंग नील आम स्ट्रोंग नील आम स्ट्रोंग फर्स्ट वन फर्स्ट ब्लैंक वी पुट द वर्ड अर्थ एंड सेकेंड वन इज मून थर्ड वन स्पेस सूट फोर्थ वर्ड इज क्रस्ट एंड फिफ्थ वन इज नील आम स्ट्रॉन्ग Do in your copy in a very good writing, in very neat writing. Then start your match the column, matching sentences. Okay, match the column A and B. Okay, A में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और B में सेंटेंस दिया गया है. आपको उन शब्द को उन सेंटेंसेस से मैच करना है. So फर्स्ट वन इज नील Armstrong was द फर्स्ट मैन हु landed on ऑन द मून सेंटेंस हो गया ना नील Armstrong जो है वो फर्स्ट मैन है जो जिसने मून चांद पर पहला कदम रखा एंड नेक्स्ट वन इज अ cosmonaut. Cosmonaut कहते हैं cosmonaut is the name एक नाम है given टू एन astronaut बाय रशिया आप, आप कॉस्मोनोट जो है वो एक नाम दिया गया था रशिया ने एस्ट्रोनॉट को दिया था ठीक है कॉस्ट्रोनोट नेम रशिया ने एस्ट्रोनॉट्स को दिया था रशियन ओके नाउ थर्ड वन इज एन एस्ट्रोनॉट एन एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं एन एस्ट्रोनॉट इज़ अ मैन हु गोस इन टू स्पेस जो स्पेस पे जाते हैं एन एस्ट्रोनॉट इज अ मैन हु

वर्ड ना आ ये लाइन पूरी ना आए तो आपने एक वर्ड के बाद एक लाइन छोड़ देनी है ताकि आपके टू लाइंस में ये आ सके और बहुत नीट काम लगे गंदा काम नहीं करना ये बहुत प्यारी राइटिंग में मुझे सबकी कॉपीज में ये काम चाहिए ओके स्टूडेंट्स इन योर कॉपी इन अ वेरी गुड राइटिंग एंड मैच विद ब्लू कलर मैचिंग आपने ब्लू कलर से करनी है सब पेंसिल से लिखना है जहाँ मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है आप ब्लू कलर यूज़ करेंगे जहाँ मैंने पेंसिल यूज़ किया है पेंसिल कलर यूज़ किया आप पेंसिल कलर यूज़ करेंगे ओके स्टूडेंट्स देन स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर्स ओके ना फर्स्ट वन इज क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट शेप ऑफ मून अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया कि हमें मून की मुख्तलिफ शेप्स के नाम लिखने हैं यानी मून कितनी किस्म का होता है किस किस शेप में होता है हमें वो सब नेम्स लिखने हैं तो हमने सबसे पहले लिखा फुल मून आपने देखा होगा कि मून जब पूरा राउंड शेप में होता है तो वो फुल मून होता है न्यू मून न्यू मून जब छोटा सा हमें जान नज़र आ रहा होता है तो वो न्यू मून होता है हाफ मून जब मून का जो है हाफ हिस्सा नज़र आ रहा होता है यानी हाफ राउंड नज़र आ रहा होता है तो वो क्या होता है हाफ मून एंड क्रीसेंट क्रीसेंट कहते हैं जो फर्स्ट एक का चाँद होता है बिल्कुल हल बहुत बारीक होता है बहुत पेंसिल की नोक की तरह बारीक होता है उसे क्रीसेंट कहा जाता है सो वी हैव फोर नेम्स फुल मून न्यू मून हाफ मून एंड क्रीसेंट ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट शेप ऑफ मून फुल मून न्यू मून हाफ मून एंड क्रीसेंट नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज राइट नेम्स ऑफ प्लैनेट्स ऑफ आर सोलर सिस्टम अब हमें सोलर सिस्टम के जो एट प्लैनेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं सो फर्स्ट वन इज

Fourth one is Mars, M-A-R-S. Mars. Fifth one is Jupiter, J-U-I-P, J-U-P-I-Jupiter. -e -r -r Jupiter. Third one is Saturn, S-A-T-U-R-N. Saturn. Seventh one is Uranus, and last one is Neptune, Uranus. नेपचुन फर्स्ट वन इज़ मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेटर्न, यूरेनस एंड नैपचून ये एट वर्ड हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ये आपको आगे भी जब आप क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप ये अभी याद कर लेंगे ये नेम्स तो आगे भी आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी इसलिए बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा ओके दिस एट्स नेम देर ओके नाउ डिफाइन स्पेस अब हमें स्पेस डिफाइन करना है कि स्पेस है क्या सो द आंसर इज द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर एंड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर अर्थ के जो इर्दगिद बताया था मैंने आपको ज़मीन के जो इर्द गिर्द एक बारीक सी लेयर है वो हवा की है एयर है वहाँ पर और वो जो लेयर है वो स्पेस है ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है एक हवा की लेयर उस लेयर को क्या कहा जाता है स्पेस द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर एंड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस अंडरस्टैंड अपनी बुक में देखिएगा जमीन के एक डायग्राम जो बनी है उसके इर्द गिर्द एक बारीक सी ले आ, दिखाया गया है में एक लेयर मौजूद है उस लेयर को हम वो जो लेयर है वो हवा की लेयर है उस लेयर को हम स्पेस कहते हैं द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर एंड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज क्वेश्चन नंबर फोर इज हु वाज द फर्स्ट मैन हु लैंडड ऑन द मून ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन नाइनटीन सिक्सटी नाइन में सबसे पहला कौन वो कौन आदमी था जिसने चाँद पर मून पर पहला कदम रखा अच्छा ये हमने पहले पढ़ा कि स्पेस पर मून पर जाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था हमने ब्लैक्स में भी लिखा नील आर्म स्ट्रॉन्ग नील आमस्ट्रोंग वॉज द फर्स्ट मैन हु लैंडड ऑन द मून ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन यानी नाइनटीन सिक्सटी नाइन फर्स्ट जुलाई नाइनटीन ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन को ये डेट थी उस दिन जिस दिन नील आमस्ट्रॉन्ग सब से पहले जो है वो मून पर गए थे ये डेट भी आपको याद हो जाएगी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन नील आर्म स्ट्रॉन्ग नील एन ई आई एल नील ए आर एम आर्म एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग नील आर्म स्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन ठीक है नील आर्म जो सबसे पहले जिन्होंने कदम रखा उन्होंने पूछा किसने रखा तो हमने बता दिया नील आर्म स्ट्रॉन्ग बाकी सेम क्वेश्चन का आंसर वही आएगा तो आप सबने बहुत अच्छे से इसे याद भी करना है और कॉपी में भी राइट डाउन करना है इन अ वेरी गुड राइटिंग इन स्टूडेंट्स ये आपकी इस चैप्टर का इतना ही काम है इस चैप्टर के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर आप सब ने ये काम अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से करना है कुछ भी स्किप नहीं करना इसमें सब कुछ आपकी कॉपी में मौजूद होना चाहिए जैसे मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट की हेडिंग में बता दिया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या है क्या क्या मौजूद है कॉपी में हमें क्या क्या वर्क करना है तो ये चारों चीज़ें आपकी कॉपी में मौजूद होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी आप सबसे पहले जो है उसका टाइटल पेज बनाएंगे लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी आप मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाएंगे क्योंकि मंथ ऑफ जनवरी में टू चैप्टर्स हैं अभी हमने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट किया है इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाना मत भूलिएगा कुछ स्टूडेंट्स के कॉपीज मेरे पास आई हैं चेक होने के लिए जिन्होंने जनवरी का टाइटल पेज नहीं बनाया दिसंबर का भी नहीं बनाया था जहाँ मैंने मैंशन किया है कि आप लोग तो टाइटल पेज बनाइएगा तो अब मंथ ऑफ जनवरी का काम स्टार्ट करने से पहले आप सबने पहले टाइटल पेज रेडी करना है मंथ मंथ का भी और चैप्टर का भी देन स्टार्ट योर वर्क ओके देन स्टार्ट ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन आंसर्स वी हैव फोर क्वेश्चन इन दिस चैप्टर और ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन या आप बीच में मार्जिन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं लेकिन एक लाइन में तंग तंग करके मत लिखिएगा इसको बीच में मार्जिन ड्रॉ करके फॉरवर्ड्स इधर और फॉरवर्ड्स इधर लिख दीजिएगा ओके डू इन योर कॉपी इन अ वेरी गुड राइटिंग स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड थैंक यू अल्लाह हाफिज़